सुस्वागतम आप सभी का करता हूं मैं करदम रावल एक ऐसे YouTube चैनल के अंदर जहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा UPSC और बैंकिंग एग्जाम्स का ज्ञान और करंट अफेयर का नॉलेज UPSC IAS एग्जाम्स YouTube चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं भारत की सरकार ने यहां पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर भारत स्टेज 4 के रिगार्डिंग एक चीज बता दी है कि भारत स्टेज 4 व्हीकल्स जो है वो 2020 के फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट वुड बी द फर्स्ट ऑफ अप्रैल ऑफ 2020 हम कहीं देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई बेच नहीं सकता। अब यहाँ पर जो है ये करने के पीछे का रहस्य क्या है कि भारत स्टेज 4 व्हीकल जो है इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ऐसा हुआ है इतने सालों के बाद इसके पीछे का जो रहस्य है वो है एनवायरमेंट के ऊपर हम जो है ध्यान ज्यादा देते नहीं है, दूसरी ओर पॉल्यूशन जो है वो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो भारत स्टेज के क्राइटेरियाज रखे गए हैं उसको समझने से पहले एक बार देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। सिंपली यहाँ पर जो है एक सेंटेंस कहा है नो सेल ऑफ भारत स्टेज 4 व्हीकल्स इन द एंटायर कंट्री जिसको हम हमारा प्यारा भारत बोलते हैं फ्रॉम द डेट 1st of April 2020। यहाँ पर हर मोटर व्हीकल के ऊपर ये सेंटेंस जो है वो लागू होता है। अब ये भारत स्टेज जो नॉर्म्स होते हैं जो क्राइटेरियाज होते हैं ये कब से आए थे और ये जो है क्या डिफाइन करते हैं ये तो समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बैन है वो सेल के ऊपर लगा है और रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी लगा है, यानी कि ये 1st of April से बिकेंगे भी नहीं। और यहाँ पर अगर आप पास डेट के ऊपर परचेज कर लेते हो, यहाँ पर अमूमन ऐसी कई सारे एंगल्स हमने देखे हैं जब भारत स्टेज 3 बंद हुआ और भारत स्टेज 4 शुरू हुआ और यहाँ पर भारत स्टेज 3 के ऊपर बैन लगा था तो ऐसा देखने को मिला था कि पास डेट के बिल्स बना के जो है इस व्हीकल को बेच दिए जाते हैं और इसके बाद में यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए लाया जाता था और इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाया करता था। लेकिन इस लूप होल को यहाँ पर बंद कर दिया है और यहाँ पर सेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी यहाँ पर प्रोसेस जो है वो कैंसिल कर दी है। यानी कि अगर आप 31st March 2020 को भारत स्टेज 4 व्हीकल परचेज करोगे तो आपको 31st March को इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि आप जो है 1st of April से इसको रजिस्टर नहीं कर पाओगे, जो भी आपने परचेज किया है वो एज इट इज रह जाएगा। भारत स्टेज जो है ये डिफाइन करता है कि इमिशंस के जो नॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो मोटर व्हीकल और एयर पॉल्यूशन के क्राइटेरिया के अंदर सेट किए है इसके मुताबिक है कि नहीं है। अब भारत स्टेज जो है वो डिफाइन करता है कि जो फ्यूल हमारा हम यूज करते हैं उस फ्यूल के अंदर प्रेजेंस ऑफ सल्फर कितना है, क्योंकि यहाँ पर भारत स्टेज 6 जो है उसके अंदर यहाँ पर 80% रिडक्शन होने वाला है। यानी कि हमने भारत स्टेज 4 जो है उससे हमने 5 को स्किप करते हुए भारत स्टेज 6 फ्यूल के ऊपर हमने यहाँ पर फोकस किया है जहाँ पर जो सल्फर है फ्यूल के अंदर वो 80% यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी कि जो सल्फर की मात्रा होती थी वो 50 parts per million यानी कि 50 PPM होती थी भारत स्टेज 4 के अंदर और भारत स्टेज 6 के अंदर ये होगी 10 PPM। अब यहाँ पर नॉर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसको डिजाइन कौन करता है, इसको डिजाइन करता है कि कौन सा नॉर्म्स एक्सेप्ट करना है ये क्राइटेरिया जो है वो सेट करता है द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो टाइमलाइंस और स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसी भी ऑटो मेकर के लिए कि क्या बनना चाहिए, किस तरीके का इंजन होना चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वोट कर दिया है कि विश्व के जो सबसे 20 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट सिटीज है उसके अंदर में से 15 सिटीज तो इंडिया के खुद के हैं। अगर आप दिल्ली की बात करो या फिर NCR की बात करो तो ये इतने ज्यादा पॉल्यूटेंट है कि यहाँ पर मास्क भी पहनना कंपलसरी है और यहाँ पर जो है पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है कि कई जगहों के ऊपर तो लोगों को ऑक्सीजन भी परचेज करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर देश जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर है। 1991 के अंदर हमने मास इमिशन नॉर्म्स लाए थे, 1996 के अंदर रिविजन ऑफ मास इमिशन नॉर्म्स लाए, उसके 4 साल
बाद हमने शुरू किया मिलेनियम से, यानी कि BS1 नॉर्म्स, भारत स्टेज 1 नॉर्म्स। उसके बाद हमने देखा भारत स्टेज 2 नॉर्म्स। उसके बाद 2010 के अंदर हमने देखा भारत स्टेज 3 नॉर्म्स। 2017 के अंदर हमने भारत स्टेज 4 नॉर्म्स देखा। और ये सारी चीजें जो है वो सबसे ज्यादा फोकस की जाती है सल्फर के कंटेंट के अंदर, और 2020 की 1st of April से यहाँ पर भारत में लागू हो जाएगा भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जिस तरीके से नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन होगी, हम उसी नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर भी फॉलो करवाएंगे। और पॉल्यूशन और एनवायरमेंट के ऊपर हम इतना ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी हम जो है इस चीज को इंक्लूड करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि एनवायरमेंट की ओर जो है हमारा ध्यान बहुत ही कम है। और इसी के साथ जो हमारा अनाउंसमेंट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्राइटेरिया बनता है 1st of April 2020 जो है, उसके बाद हम भारत स्टेज 6 के ही व्हीकल देखेंगे। अगर आप देखें कि क्यों हम इस चीज को हाल के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ जाती है और इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा झटका भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर किसी कंपनी या फिर कई कंपनीज ने जो अपने व्हीकल्स तैयार करके रखे हैं और जो इंजिन उन्होंने वहां पर सेटअप करके रखे हैं वो भारत स्टेज 4 के है, उस कैपेसिटी के है जहां पर PPM है 50, और हम इस चीज को यहां पर एकदम से नोटबंदी की तरह कह देते हैं कि कल से ये व्हीकल्स आप नहीं बेच पाओगे, नहीं रजिस्टर कर पाओगे, तो कंपनी जो है वो बहुत बड़े घाटे में चली जाएगी। और यहां पर दूसरा ये भी एक एंगल है कि किसी भी कंपनी को, ऑटोमोबाइल मेकर को बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है ऐसे टेक्नोलॉजी डिजाइन और डेवलप करने के लिए, जहां पर इनको जो भारत स्टेज 6 नॉर्म्स वाले व्हीकल्स है उसको बनाना है, तो उसमें काफी सारा वक्त निकल जाता है। तो एकदम से इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप और स्टेज बाय स्टेज यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम उनको भी देना है, ताकि जो है वो एनवायरमेंट के क्राइटेरिया को ध्यान में रख के अपने हिसाब से ऐसे इंजिन्स डिजाइन कर सके। अब यहाँ पर सल्फर का जो एक्सक्रीशन है ये तो एक एमिशन पार्ट है ही है, इसी के साथ जो डीजल कार है ये, इसे यहाँ पर 80% यहाँ पर पॉल्यूशन के अंदर कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डीजल कार के अंदर जो सल्फर का एक्सक्रीशन होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो है अमूमन आपने ये भी देखा होगा कि पेट्रोल कार के मुकाबले डीजल कार ज्यादा महंगी है। यहाँ पर हम लॉजिक लगाते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है इसलिए इसका जो व्हीकल है वो महंगा मिलता है, और डीजल सस्ता होता है इसलिए यहाँ पर जो व्हीकल है वो महंगा मिलता है। रियलिटी के अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती, एक्सप्लेनेशन होती है पेट्रोल जो व्हीकल है उसके अंदर जो PPM है और जो सल्फर का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है वो बहुत ही कम होता है, वेरस पेट्रोल के मुकाबले डीजल कार का जो एक्सक्रीशन है वो 75-80% यहाँ पर पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा होता है। तो इसीलिए एनवायरमेंट को हम ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम किसी भी व्हीकल को परचेज जब डीजल वेरिएंट के अंदर करते हैं तो हम ज्यादा अमाउंट उन लोगों को पे करते हैं। तो ये होती है रियलिटी के अंदर एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पर जो पॉल्यूशन इमिट होता है व्हीकल्स के द्वारा उसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सल्फर ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं एसिड रेन, क्योंकि ग्रीन हाउस इमिशन भी इसी तरीके से जनरेट होते हैं। तो इट विल टेक अ टाइम फॉर इंडिया कि जब हम एग्जैक्टली स्विच ओवर हो जाए भारत स्टेज 6 के अंदर, और उस टाइम पीरियड के टाइम का ही टाइम मिला है कंपनीज और ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, यहाँ पर जो है इन लोगों को अपनी सारी सेल्स जल्दी से खत्म करनी होगी, और इसी के साथ इन लोगों को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर काम करना होगा कि वो जल्दी से ऐसे व्हीकल्स के लिए इंजिन बनाना शुरू कर दे जो एफिशिएंटली वर्क कर सके भारत स्टेज 6 के क्राइटेरियाज के ऊपर। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।